हेलो, गुड मॉर्निंग। और मैं तो पेल हो गई, तो कल रात बोला था कि आज सुबह उठेगा, सो आई थिंक कल रात थोड़ा लेट भी हो गया था सोने में, ऑलमोस्ट 1 बजने वाला था, इसलिए हुआ। सो देख, आज रात से तो जल्दी सो के सुबह उठने का कोशिश जरूर करेगा। ओके, तो अभी हम मेरा मॉर्निंग ड्यूटी है, अभी हम ड्यूटी जा रहे हैं। थोड़ा लेट हो गया, लेट हो गया, थोड़ा लेट हो गया, उल्टा आज ज़्यादा सो लिया, उल्टा हो गया। ओह, बहुत बारिश दे रहा है, इसमें बारिश हो रहा है, बारिश पर अच्छा ही है, बारिश का वजह से इतना गर्म भी नहीं है, सो ठीक है वेदर जो, सो बारिश भी ठीक ही है। भाई ये बच्चा लोग सब स्कूल जा रहे हैं, तो हम इसको देख के अपना वो याद आ गया, हमें भी बचपन में से जाता था। ताता, लॉलीपॉप कहाँ है सुबह सुबह? हाय गाइस, अगर आप लोग मेरा वीडियो को पहले से फॉलो करते तो आप लोग को पता ही होता कि हम किस टाइप का ब्लॉगिंग बनाता है, तो मेरा ब्लॉग कितना सिंपल होता है, तो मेरा डेली लाइफ में जो होता है वही आप लोगों को देखने मिलता है मेरे इस चैनल में। एंड थैंक यू सो मच माय डियर टेनी मेनी व्यूअर्स फॉर वाचिंग एंड सपोर्टिंग। सो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को कल बोला था कि मेरा कुछ कुछ हैबिट्स है जिसको हम चेंज करना चाहते हैं, सो उसी के ऊपर में हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं। सो माई डियर फ्रेंड्स, जैसे कि हम कल रात बोला था कि हम जल्दी सोएगा, उसके कल से हम सुबह उठने की कोशिश करेगा, सो पार्सी अटेम्प्ट में हम फेल हो गया। एक्चुअली कल वीडियो बनाते बनाते थोड़ा लेट हो गया था, 1 बजे करीब 1 बजे सबको सोया, तो सुबह को दे तो उल्टा आज उल्टा लेट हो गया। हम जो ड्यूटी जो, तो मेरा आग जो कितना बजे खोला, 6:46 ऐसे को खोला, तो मेरा ड्यूटी 7 बजे से होता था, उल्टा आज लेट हो गया था। सो खैर, अभी होप करते हैं अभी से ऐसे नहीं होगा। तो एक्चुअली रात को जल्दी नहीं सो पाता है, इसलिए ऐसे सुबह उठने के लिए बहुत दिक्कत होता है, इसलिए आज रात से जल्दी सोने की कोशिश करेगा। मेरा जो फ्लावर है हम इसको साफ कर देगा, जो ये सरा है इसको निकाल के फेंक देंगे। एक्चुअली इसको हम जब घर में बैठे हम रेगुलर वो करते हैं, रेगुलर ने हम हर 2 दिन में पानी चेंज करते हैं, बट इस बार हम थोड़ा बाहर रह गया था इसलिए चेंज नहीं कर पाया, इसलिए हम अभी पानी चेंज कर रहे हैं। और यहाँ पे हम पत्थर डाला है थोड़ा सा, ताकि क्या कुछ नहीं, ये भूल गया मेरा पुल लोग, हम नहाने दे रहे हैं। ओके, हो गया ये। हाँ, अभी भी बिस्कुट खा दिया, एकदम बैलेंस के साथ पकड़ना पड़ता है क्योंकि मेरे पास कोई नहीं है जो हमको वीडियो ले देगा। सो इसको मैंने डो लिया है, डो लिया क्या बोलेगा, नहा दिया है मेरा फूलों को मैंने, सो ग्रीन ग्रीन अभी ठीक है। तो ये दोनों को तो हम ऑलरेडी पानी ऑलरेडी चेंज कर लिया, सो ये दोनों का सिर्फ वीडियो बनाया है। ओके, सो अभी हम ऐसे बोतल पकड़ के क्या कर रहे सोच रहा होगा आप लोग। सो यहाँ पे मेरा छोटा सा किचन गार्डन है, अभी हम आप लोगों को दिखाएगा। सो उसको हम पानी देगा, यहाँ से हम पानी देंगे। वाह, देखो मेरा मरसा कितना सुंदर से उतरा है, मरसा सब्जी, टमेटो, यहाँ पे भी मरसा, वो मेरा पपीता है, ये पपीता थोड़ा सा हो गया, तो इसको पानी देगा अभी। पपीता का घास, पालर घास, यहाँ पे तो और कुछ नहीं ज़्यादा बस, एंड इसको पानी देती हूँ। मरसा था मज्जा जूर बचा दूँ ना, उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना,
एक बार दिले वाओ, देखिए मेरा मरसा कितना सुंदर से उठ रहा है। पानी दे दिया हम अभी। और मेरा ये जो पपीता का घास है मरने वाला है, इसको हम पर जिंदा करके छोड़ेगा। दोस्तों चाय बनाया हमको, चल पीने आओ बोल रहे, तो अभी हम पीने जाएगा, इवनिंग चाय पीएंगे। आओ आओ इधर आओ, मेरे दोस्त ने बनाया है चाय। वाह इतना सुंदर से बिछा के रखे, डाल रहे हैं। लुक सी इज माई गॉर्जियस फ्रेंड। और हम लोगों का चाय रेडी है। क्या ये दो दूध चाय और एक लाल चाय है? एक तो लाल दूध चाय नहीं पीते ना। कौन? ओ सो अभी हम लोग चाय पिएगा। बिल्कुल शाम हो चुका है और वाह सीरियल का चिरपिंग आवाज कितना अच्छा लग रहा है सुनने के लिए। और पता नहीं आप लोगों को कैसे लगते, पर हम लोगों को नहीं, मुझे मेरा ये जो रेंट है यहाँ से जो व्यू आता है बहुत सुंदर लगता है। वाह पहाड़ वहाड़ ये सब। वैसे मेरा आज का दिन हम ऐसे बेकार नहीं गया, तो हम आज बहुत सारा कपड़ा धुलाया है। यहाँ पे है, यहाँ पे मेरा कपड़ा ये सब, और मेरा जितना भी चप्पल है हम सबको धुला दिया आज एक साथ में, बहुत दिन से गंदा पड़ा था। सो इसलिए कभी हम धुलाया, तो आज का दिन तो बहुत ही प्रोडक्टिव था बोल देगा कि आज वेस्ट नहीं किया टाइम। ड्यूटी से वापस आया, थोड़ा साफ किया रूम को फिर से, एंड कपड़ा वपड़ा धुलाया, चप्पल वप्पल धुलाया। और ये सारा जो बोतल है आज हम धुलाया है, ये सब गंदा गंदा होके बैठा था, हम आज पूरा धुला दिया इस लोग को भी। सो हम आप लोगों को बोला था ना कि हम आज मेरा टाइम वेस्ट नहीं किया बोल के। सो आज आया तो किचन विचन साफा किया, जितना ये गंदा सारा बोतल है सबको धुलाया, कपड़ा वपड़ा धुलाया एंड चप्पल वप्पल धुलाया, रूम वूम साफ किया। चलो चाय पीगा साथ में। वैसे ही इज माय फ्रेंड्स। हेलो बोलना। हेलो मैं व्यूअर्स को कुछ बोलेगा? कुछ बोलेगा? हाँ सब्सक्राइब कर दो। भाग गया। आप बोल दो। मैं तो पीका यूट्यूब को सब्सक्राइब कर दो, सेकने से शेयर भी बहुत कर देना। दोस्त होता है ऐसा, देखो कितना प्यारा दोस्त है। हाँ क्या ऐसे बनाते है? आओ पहले उसको समझा। भाग गया, वीडियो लेना चालू किया तो भाग गया, वो तो यहाँ से गायब हो गया। और आ जाओ हम बंद कर देगा, सुने तो है ना, बात भी नहीं कर सकते। आप लोग सोचता होगा हमको बहुत कथा बिस्कुट पसंद है, रॉक्स हाँ बहुत पसंद है, बहुत मजा है खाने के लिए। प्लीज बताओ ना, बाद में बताएगा। अच्छा इन्फॉर्मेशन है तो बताओ ना। मेरा तो अभी भी बोल रहा था कि ये जो बिस्किट है ये इसको जो प्रेग्नेंट लेडी लोग खाने से अच्छा होते है, तो क्यों अच्छा था हम आपको अभी बताएगा। वन मिनट एक बाइट हम ले लेगा आगे, तो प्रेगनेंसी में हाइपरएमेसिस ग्रेविडारम बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं मतलब वोमिटिंग को ही बोलते हैं, तो मेडिकल टर्म में से बोलते हैं। तो बोल रहे कि इसको खाने से इतना वोमिटिंग वो नहीं होते है, पता नहीं क्या बोल टेंडेंसी नहीं होता है बोले क्या होते है, ओ वोमिटिंग का टेंडेंसी नहीं होता है, आपको वोमिटिंग ऐसे नहीं लगता है बोलते हैं। तो इसलिए उस लोग का एक टीचर ने बताया था बोला, तो ये इन्फॉर्मेशन जस्ट हम शेयर कर रहे हैं। अगर कोई आप लोग में से प्रेग्नेंट है तो ट्राई करके देखो, और हम भी अगर फ्यूचर में कभी प्रेग्नेंट हुआ तो मैं भी ट्राई करूंगी और आप लोगों को मेरा ये एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि ये बात सही है या गलत है। तो उसके लिए तो बहुत ही रुकना पड़ेगा मेरा प्रेग्नेंट होने के लिए, अगर आप लोग का तो पता नहीं है, अपना मर्जी है। अब्बा मेरे लिए लड़का ढूंढ दो बोल रहे बियर्स आप लोग, अगर आप लोग नजर में कोई है ना प्यारा सा अच्छा सा मुंडा, अगर आप लोग एक्सपीरियंस खबर कर सकता है तो जल्दी जल्दी उसके लिए लड़का ढूंढ दो। तो कमेंट बिलो। ओके
वैसे गाइस अभी हम चाय हुए पी के ईटानगर के लिए निकलेगा क्योंकि मेरा कल फिर से एग्जाम है इग्नू का। आया ईटानगर जा जाके हम गरीब हो जाएगा लग रहा है, क्योंकि जाओ 100 रुपया आओ 100 रुपया और वहाँ में फिर ऑटो वाला बीच में जाओ 60 रुपीज। ओ माई गॉड, तो एक बार में मेरा तू तू कितना जा रहा है, तू 60 रुपीज जा रहा है। अब आना जाना भगवान तालो पोतम सर प्लीज ट्रेकर वाला को थोड़ा कम कर दो। 320 जाएगा। मेरा इग्नू का एग्जाम का सब्जेक्ट है कितने, 8 है ना 9 सब्जेक्ट है, देखो ना उसको भी नहीं जानते अभी तक। वैसे मेरा एक दोस्त बोल रहा था हमको हर वीडियो में नहीं जानते बोलते रहते, जान के बोलो बोल के, तो नहीं जानते तो कैसे जानेगा ना मतलब पता नहीं जानते ही बोलना ही पड़ते। सो हाँ हम ये बोल रहा था कि इग्नू का हम एग्जाम देने जाएगा अभी यहाँ से निकलेगा, उसके बाद वहाँ में एक दीदी का घर में बैठेगा, वहाँ में बैठ के कल सुबह वहाँ से एग्ज़ाम देके फिर वापस आना है, फिर ड्यूटी करना है। सो मतलब हम लोग के पास गाड़ी नहीं है इसलिए तो हम लोग ट्रेकर यूज़ करते हैं ना, तो इतना हर दिन ऐसे पैसा ट्रेकर में जाने से तो हे भगवान, एटलीस्ट 50 होने से तो बहुत ही अच्छा था, यहाँ से डिस्टेंस भी तो इतना नहीं है ईटानगर। ट्रेकर भरा असली का थोड़ा कम होने से बहुत ही अच्छा होना था। ट्रेकर भाई भैया लोग प्लीज थोड़ा ट्रेकर भरा कम कर दीजिए, हम लोग को बहुत ही प्रॉब्लम होता है आना जाना करने में। पल्स आई एम गोना ईट पल्स नाउ, पल्स चॉकलेट। चाय पिया और पास चॉकलेट अभी खा रहे हैं और अभी हम फिर मैगी खाएगा, भूख लग रहा है पता नहीं कितना भूख लगते है हमको, इसलिए मेरा रिजल्ट होता है ना बदन में, हम इतना मेहनत करते हैं इसलिए मेरा रिजल्ट निकलते मेरे बदन में ना, समझ गया होगा आप लोग। मैगी बना के खाएगा और जाएंगे ईटानगर, तो ना मिठाई।